एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा जो जा रहा होता है हमेशा के लिए यहाँ से, और यहाँ पे सारी चीज़ें वो पैकिंग कर लेता है। तभी वहाँ पे ली आती है और कहती है, सर 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 आप ऐसे कैसे जा सकते हो मेरे से बिना मिले हुए। तो यहाँ पे बोलता है, मैंने बताया तो था। कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर ऐसा भी क्या जल्दी था जो मीना बोले मुझसे आप मिलने के लिए जा रहे हो। और यहाँ पे वो सीधे उसे हक कर लेती है। यहाँ पे बोलता है, अरे ये क्या कर रही हो तुम। कहती है, बस एक हर क्या था। कहता है, ठीक है। और वो चला जाता है बाय बोल के। ये बेचारी अकेली हो जाती है। इधर जू बैठा होता है एरोप्लेन पे और वो किसी को देख रहा होता जो कि कोई और नहीं ली होती उसके पिक्स को वो बहुत ही ध्यान से होता। तभी एक लड़की आती है और कहती है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। तभी कहता है, हाँ क्यों नहीं। जैसे ही वो ऊपर देखता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ली होती है। लीक तो हो चुका था जू से लव, अब वो उसके बिना कैसे रह सकती है। यहाँ पे बोलता है, पर तुम यहाँ कैसे। कहती है, क्या तुम साथ में हॉलीडे मनाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और वो दोनों उड़ जाते हैं एरोप्लेन में। इन दोनों की तो लाइफ सेट हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर सिखाया जाएगा हम लोगों को। गुशियन और यांग शॉपिंग कर रहे होते हैं किंग के बेबी के लिए। और यहाँ पे बोलती है, ये सब कितने क्यूट क्यूट है ना, छोटा छोटा सा। वैसे कौन सा लूँ, गर्ल्स का लूँ या बॉयज़ का लूँ। तो यहाँ पे जंग बोलती है कि अरे अब तुम्हें क्या पता कि बॉयज़ होगी कि गर्ल्स। तो यहाँ पे बोलता है गुशन, मुझे तो गर्ल्स चाहिए। तभी तो यहाँ पे एक बेबी हिरा जाता है जो कि गुशन उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पे वो बहुत रोता है। तभी वो उसे खिलाने जाते हैं, इधर ये बिलिंग करती है। तभी देखती है जियांग कि वो कहाँ है। तभी देखती है कि वो एक बच्चे के साथ है। वो पूछती है कि ये कौन है। तो यहाँ पे बोलता, पता नहीं इसके मॉम डैड कहाँ है, तब तक हम दोनों इसका केयर करेंगे। अब वो बहुत ही एक अच्छा गुड फादर की तरह उस बच्चे के साथ ट्रीट कर रहा था और उस बच्चे को भी मज़ा आ रहा था, उस बच्चे के साथ खेल रहा था, उसके लिए बुक्स वगैरह ले रहा था। और यहाँ पर वो बच्चा भी उस गोश यहाँ से काफ़ी हैप्पी था। और यहाँ पर बोलता है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये गेम ऑफर किया, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे बोलता है, अच्छा तुम्हें ये पसंद है, कहता है मेरे साथ खेलो ना। वो उसे अपने शोल्डर के ऊपर बैठा के उसके बाल खींचता है। और यहाँ पे जियांग जो होती है वो उसे देखती है। और यहाँ पे वो सोचती है कि वो कितना अच्छा कर रहा है, मतलब एक लाइक ए फादर, जबकि वो है भी नहीं। और उसके ऊट पटांग चीजते जिससे काफ़ी हंसी आती है जियांग को। तभी यहाँ पे उसके लिए डिशेस ऑर्डर करते हैं बच्चे के लिए। और यहाँ पे गुशन और जियांग भी बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे बोलते हैं, आप लोग इतने यंग हैं और आप लोगों ने इतनी जल्दी बेबी प्लान कर लिया, इतना बड़ा बेबी। तो कहता है, जी हाँ है ना ये प्रिटी, ये बिल्कुल अपनी माँ पे गया। और यहाँ पे जियांग हंस रही होती है क्योंकि उसे क्या पता था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। तो यहाँ पे बोलता है, चलो अब बोलो एक अच्छे पेरेंट्स की तरह कि हाँ तुम मेरी वाइफ हो। इधर उसके पास कॉल आता है और यहाँ पे उसके मॉम डैड आ जाते हैं गुशियान के पास। और उसका बेबी बोलता है कि इन्हों अंकल ने मुझे संभाला। यहाँ पे थैंक्स कहती है। यहाँ पे बोलती है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो ना। यहाँ पे एक दोनों का एक दूसरे का मुंह देखते कहती है, थैंक यू फॉर माय बेबी के लिए जो आपने इतना केयर किया। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो कहता है कि अब भी मान, जब भी वक्त है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में यहाँ पे गुशियान बात कर रहा होता है अपने रिलेशनशिप को लेके किंग से। और यहाँ पे किंग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वो कैसी है, तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारे रिश्ते को लेके वो सीरियस है, मजाक नहीं है। तभी उतने में वहाँ पे जियांग आ जाती है, कहती क्या बातें हो रही थी भाई मेरे पीठ पीछे। तो कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बस ऐसी, क्योंकि वो दोनों सीक्रेट मिशन पर होते हैं। तभी यहाँ पे घर पे मॉम डैड के पास आती है जियांग और साथ में गुशियान भी होता है। गुशियान की तो हालत बहुत टाइट होती है क्योंकि उस घर में उसके साथ मॉम तो थी बट उसके डैड भी थे। जो डैड जो उसको देख रहे थे उससे उसे काफ़ी डर लग रहा होता है। जियांग की माँ कहती है, अरे बेटा इतना ज़्यादा शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है, चलो और बैठो खाना खाते हैं। यहाँ पे डिनर लग जाता है। तभी यहाँ पे जियांग देती है गुशियान को, लेकिन गुशियान सबसे पहले डैड को देता है क्योंकि वो इम्प्रेस करने में लगा हुआ होता है जियांग के फादर को, क्योंकि वो चाहता था कि वो उस रिश्ते को मान जाए और उसको एक्सेप्ट कर लें। और इधर वो बोलता है कि आप खाओ उसके बाद मैं खाता हूँ। इधर वो सोच रही होती गुशियान के बारे में। तब इसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारा दिल जो चाहता है तुम वो करो, ठीक है, डैड क्या सोचे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये दोनों गेम खेले होते हैं गुशियान उसके डैड। और यहाँ पे
दोनों काफ़ी सीरियस होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है उसके डैड कि तुम मेरी बेटी को कैसे खुश रख सकते हो ये बताओ। तो यहाँ पे बोलता है आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, आप एक बार ट्रस्ट करिए, मैं उसका केयर करूँगा। मैं उम्र में छोटा हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैं वो हर खुशी दूँगा जो कि जियांग चाहती है शुरू से लेके अभी तक। तभी यहाँ पर वो हर कोशिश कामयाब करता है ताकि उसके डैड से इम्प्रेस हो जाए और फाइनली वो होते हैं। और यहाँ पे कहते हैं मुझे तुम पे प्राउड है और ट्रस्ट भी है। फाइनली यहाँ पे इसको जान में जाना था कि चलो अब तो सब ठीक हो जाएगा। इधर रात में ये मेकअप की होती है फेस मास्क लगा के, यहाँ पे गुशियान भी इसके साथ ही आ जाता है। यहाँ पे एक सेकंड भी उसे छोड़ता नहीं अकेले। यहाँ पे बोलती है कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये लगाने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है क्यों तुम अच्छी भी सुंदर दिख सकती हो, क्या मैं नहीं दिख सकता, हम दोनों ऐसे साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी इधर इन दोनों फिर से मैरिड कर लेते हैं किंग और उसके हस्बैंड जो कि यांग को बताते हैं। इधर डूजियो और यहाँ पे उसका फ्रेंड काफ़ी खुश हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी यहाँ पे ऑफिस आती है और ऑफिस में बिल्कुल अकेलापन महसूस करती है। उसको याद आ रहा होता है गुशियान की वो हर एक चीज़ से छोटी छोटी मूवमेंट। तभी वहाँ पे गुशियान आ जाता है और इसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है, दौड़ के भागती हुई चली आती है एंड उसे हक करती है, कहती है कि तुम वापस आ गए। तो कहता है हाँ क्यों मुझे वापस नहीं आना चाहिए। कहती है नहीं मैंने सोचा था कि तुम ऑफिस ज्वाइन हम नहीं करोगे। तभी वो उसके लिए एक प्यार सा बुके लाता है, कहता है मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हें कौन सा पसंद, इसलिए मैंने सब फ्लावर मिला लिया। यहाँ पे बोलती है थैंक यू सो मच। तो कहता है चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ जो कि वो अपने फ्रेंड के पास लेके जाता है। यहाँ पे कहती है कि इसके पास तो मुझे क्यों लाया। यहाँ पे बताता है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब भी प्लीज़ जाग जाओ। इधर वो जाता है अपना ट्रेनिंग करने के लिए और यहाँ पे बहुत सैड सा इमोशनल मोमेंट होते हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। यहाँ पे जियांग बोलती है तुम जाओ, गुशियान बोलता है पहले तुम जाओ। यहाँ पे जियांग बोलती है मैं तुम्हें आई हूँ छोड़ने के लिए तो तुम जाओ, ज़िद मत करो, फिलहाल तुम्हें फोकस करना है अभी। और तभी वो कार में बैठ के चला जाता है और यहाँ पे बेचारी जियांग अकेली हो जाती है और काफ़ी रोती है। और यहाँ पे सैड बहुत सा मोमेंट होता है, बेचारा गुशियान यहाँ कार पे बैठ के काफ़ी रोता है और यहाँ पे वो बिल्कुल एकदम अकेली सी हो जाती है। देखते ही देखते 1 ईयर गुजर जाते हैं एंड देन इधर देखने को मिलेगा लव नोट जो रिवेंज हो जाता है लॉन्च हुआ हुआ। अब देखना ये है बहुत सारे बने होते हैं ऐप की जीतता कौन है, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, मीडिया होती है, सारे वहाँ कंपनी के लोग होते हैं। यहाँ पे गुशियान भी वापस आ जाता है, यहाँ पे काफ़ी डर हो जाती है। और यहाँ पे किंग जो होती है वो काफ़ी प्रेगनेंट हो चुकी होती है कि अब बेबी उसकी आने वाले थे। यहाँ पे बोलती है कैसा फील कर रही हो तुम यहाँ पे आके। तो यहाँ पे बोलती है मुझे बेस्ट क्रिएटिव मार्केटिंग अवार्ड में पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या रिएक्शन दूँ, किंग बोलती है। यहाँ पे सारे ऑडियंस सारे लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे गुशियान के मॉम सब भी होती है। तभी यहाँ पे बोलती है कि मैं इस ईयर्स बेस्ट अवार्ड को बुलाना चाहूँगी, यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दे वो आए जू मिस्टर जू। यहाँ पे मिस्टर जू जाते हैं स्टेज पर और यहाँ पे बोलती है थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए। तो यहाँ पे बोलता है जू कि फॉर लेटिंग मी प्रेजेंट द अवार्ड, थैंक्स फॉर ऑल एंड ये 2021 के जो मेन ऐप है इस ईयर के अवार्ड इसे मिलते हैं लव नोट को। ये सुन के दोनों दूसरे को हक करते हैं। फाइनली ये लोग जितनी हार्ड वर्क देते हैं वो लोग सक्सेस हो जाते हैं और 2021 के अवार्ड में ये लोग का नाम आता है, जिससे कि काफ़ी हैप्पी होती है जियांग और उसका सपना भी पूरा होता है। साथ में गुशियान की मॉम का भी ड्रीम जो था वो पूरा होता है जो कि उनके हस्बैंड के साथ था। और यहाँ पे ये बहुत खुश होती है, साथ में उसके फ्रेंड को भी वो ठीक कर देती है। ये सब बेचारा सोच रहा होता है गुशियान की उसने कितना हेल्प किया उसके ना होने के बाद उसके फ्रेंड को वो ठीक कर दी। तभी यहाँ पे लिखती है गुशियान विल यू मैरी मी सभी लोगों के सामने और यहाँ पे एक और रोमांटिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे सारे कपल्स जो जो होते हैं डूजियो ली जिंग किंग सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो अनाउंसमेंट कर देती है कि मैंने बहुत टाइम वेट किया बट अब और नहीं। यहाँ पे दूसरे को हग करती है और यहाँ पे वो तो कब से एक्सेप्ट था बस बोलना देर था। यहाँ पे बोलता चलो तुम्हें मैं बाइक रेस करवाता हूँ, क्या कहती हो। कहती है हाँ क्यों नहीं और यहाँ पे वो उसे सिखा रहा होता है। इसी के साथ ये इसकी हैप्पी एंडिंग होती है।